हेलो गाइस, कैसे हैं? तो देखिए, जिस तरीके से मैंने कल बताया था, मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट किया। और जो कल मैंने आपको लेवल बताए थे, जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए थे, जो साइकोलॉजी बताया था, वो मार्केट में बहुत काम आया आज के दिन। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ, ठीक है, बारिश का भी मौसम है, और आज मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो देखिए, आज मेरे पास एक कॉल आया, वो एक्चुअली हमारे सब्सक्राइबर ही हैं और डेली वीडियो देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान चलते चलते थोड़ा भटक जाता है, और अगर भटक जाता है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो मैंने उनसे बात किया और उनकी बातों में ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द है उनकी बातों में। तो जो बातें मुझे पता चली, वो मैंने लगा मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि किसी पर्सन ने उनको बोला होगा कि सर, मैं आपके अकाउंट से ट्रेड करता हूँ, मैं आपके अकाउंट को हैंडल करता हूँ और उससे अच्छा प्रॉफिट निकलेगा, तो आप मुझे उसमें से 50% प्रॉफिट दीजिए, बाकी मैं रखूँगा। तो अच्छा खासा चला शुरू में, फिर कई बार ऐसा हुआ कि एक बड़े बड़े लॉस हुए। सामने वाले पर्सन ने बोला कि सर, कोई बात नहीं, हम रिकवर करेंगे। उन्होंने बाद में लोन लिया और लोन लेने के बाद फिर से उसमें कैपिटल ऐड किया और फिर से लॉस किया। और फिर कहीं से उनको मेरा नंबर मिला होगा, या पहले आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पर मेरा नंबर था, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि सर, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। तो मैंने देखिए, मुझे ऐसा लगा कि अब तो देखिए कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो हमेशा मना करता हूँ कि आपको किसी को भी किसी भी तरीके से कोई भी पैसा नहीं देना, और ख़ास कर अकाउंट तो बिल्कुल नहीं देना। अगर आप अपना अकाउंट दे रहे हो तो आप से सोचिए कि आप क्यों दे रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, इससे अच्छा मैं कहता हूँ SIP कीजिए। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आता, आप स्टॉक में लेकर छोड़ दीजिए, निफ्टी का इंडेक्स फंड आता है, आप उसमें लगा दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं, आपको बचना है इन चीज़ों से। और मुझे लगा कि आप सभी को भी बताना चाहिए, अगर किसी तरीके का आपके पास कॉल आता है या कोई आपको बोलता है कि मैं आपको दिन में डबल पैसा करके दूंगा, ट्रिपल पैसा करके दूंगा, नहीं भाई, अपने हाथ से लॉस कर लीजिए, ठीक है। अपने हाथ से लॉस करोगे तो आपको दो चीज़ें समझ में आएगी कि भाई, मैंने अपने हाथ से लॉस किया तो ठीक है, मुझे उसका दर्द कम होगा, ठीक है, ठीक है, मेरी आंखों के सामने सब हुआ है, उसमें मुझे अपनी गलती पता चली है, उसमें मुझे अपने लेवल पता चले हैं, उसमें मुझे अपनी साइकोलॉजी पता चली है। लेकिन आपने किसी और को दे दिया, उसने उसका क्या किया है, क्या नहीं किया है, कैसे ट्रेडिंग किया है, उसकी क्या आप उसको जानते थे क्या नहीं जानते थे, ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए, कल मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा कि इस वाले पैटर्न पे अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में हुआ क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस जगह देखिए हम ओपन होते हैं, ठीक है, इस वाले जोन में हम ओपन होते हैं, और ओपन होने के बाद ही अगर आप देखोगे तो एक बड़ा कैंडल बनता है। बड़ा कैंडल के बाद देखिए यहाँ से एक बाउंस बैक मिलता है, एक फास्ट बाउंस बैक मिलता है, ठीक है, जिसमें एक अच्छा खासा पैसा बना है, ठीक है। अब ऊपर वाला अगर आप लेवल देखोगे तो यहाँ पर कौन सा लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको देखने को मिला 50,600 का लेवल था, ठीक है, 50,600 का, जो कि आपका 500 के पास में रहता है। वहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था ये वाला लेवल है, देखिए अगर आप देखो ना, बिल्कुल देखिए, अगर मैं इसको देखिए इस जगह से एक मैं आपको वो भी लगा के दिखा देता हूँ तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल देखिए प्राइस टू प्राइस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। देखिए यहाँ पर बिल्कुल प्राइस टू प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, ये रजिस्टेंट आपका आने वाला रजिस्टेंट हुआ, क्योंकि उसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अब जैसे इसमें एक सेलिंग देखने वाली, तो नीचे वाला अगर आप प्राइस देखोगे, ये वाला जो प्राइस था, ठीक है, ये प्राइस था आपका 50,400 से लेके हमारा जो प्राइस था 50,500, ठीक है। ये जो जोन मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, इस जोन में देखिए मैंने आपको ये समझाया था कि आपका ये वाला जो जोन है, ये आपका देखिए बाई जोन रहेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, आपको पूरा बाउंस बैक देखने वाला, इस जगह से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जिस 700 तक गया, ठीक है, और नीचे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 350 से मूव आया था, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 450 पॉइंटों का हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला, जो कि मॉर्निंग ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इसमें फिर सेलिंग आया, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलिंग तो आएगा, ये नॉर्मली सी बात है,
और फिर से अगर आप देखो तो इस वाली जोन पे देखिए सेम, अगर आप देखो तो सेम वही प्राइस है, सेम वही प्राइस है, सेम इसी प्राइस पे फिर से बायर एक्टिवेट हुए, इस जगह भी आपके फिर से बायर एक्टिवेट हुए। एक कंसोलिडेट करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद देखिए फिर से एक आपको बड़ा जंप देखने वाला, और जंप भी देखिए कितना आपको दिखाई दे रहा है, वही सेम प्राइस जो कि आपका 50,737, यानी अब की बार थोड़ा सा और ऊपर की साइड देखने वाला। ठीक है, तो सिंपल आज का ट्रेड ये था, क्योंकि हमको डिप पर बाइंग करना था, हमको डिप पर इस जगह बाइंग करके चलना था। और यहाँ पे देखिए हम रिटेस्ट को कैसे पहचानते हैं, थोड़ा इसको भी आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको वीडियो बता दूंगा कि कल मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, थोड़ा इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा जे वाला जो प्राइस था, यहाँ से हमको जब मूव मिला, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने ऑलमोस्ट देखिए 40 से 50% का रिटेस्ट किया। लेकिन ये रिटेस्ट कहाँ से किया, अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपका 50,500 वाला लेवल था, वहाँ से रिटेस्ट किया, फिर जो ब्रेकआउट किया फर्स्ट अटैम्प में, और फर्स्ट अटैम्प में जो पूरा आपका देखिए यहाँ पे इस तरीके से निकाला है। ठीक है, तो सिंपल सेटअप था, इसको हम एंड पैटर्न भी बोलते हैं। मैंने आपको कई बार समझाया कि आपका नीचे आने के बाद अगर वो आपका 50% रिटेस्ट करता है, तो वहाँ से एक फास्ट रिकवरी भी हमको देखने को मिलती है। अब देखिए कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यही बोला था कि किस तरीके से अगर पैटर्न बनता है या आपको रिटेस्ट करता है, तो हम उसमें बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको टेलीग्राम चैनल का सब्सक्राइब करना है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अकाउंट ओपन करना है तो सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। फिर यहाँ पे देखिए जो बायर हैं जो प्रॉफिटेबल है, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ को नोटिस कीजिए कि यहाँ से देखिए जब जिन ऊपर की साइड जा रहा था, तो इसने प्रॉपर देखिए प्रॉपर प्राइस एक्शन देखिए यहाँ पे बनाया था, यानी काफ़ी कम समय तक देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। उसके बाद अगर मैं आगे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो प्रॉपर देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, प्रॉपर देखिए कंसोलिडेट किया। ठीक है, यानी एक प्रॉपर देखिए यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बनते हुए दिखाई दिया, जो कि आपका ऑलमोस्ट देखिए 50,400 से लेके आपका इस जगह 50,500, यानी इस 100 पॉइंट की रेंज में हमको देखिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो आपका ये प्राइस आपका नीचे की साइड ओपन हो जाता है, या किसी वजह से आपको नीचे की साइड ओपनिंग देखने मिलता है, तो थोड़ा इस जगह वेट कीजिए, देखिए किसी तरीके का पैटर्न बनने की वेट कीजिए, या प्रॉपर देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए। अगर प्रॉपर देखिए प्राइस एक्शन बनता है, या आपका देखिए जो 10 से लेके आपका 15 मिनट देखिए इसी जगह कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड निकल जाता है, तो यहाँ पे देखिए हम बाइंग साइड जा सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद एक आपका देखिए पहले सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग, फिर इस तरीके का एक डब्लू पैटर्न का इस जगह क्या करता है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझाया था कि आपका एक पैटर्न बनाता है, जैसे कि अगर आप देखो तो सेम वही पैटर्न बना है, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। देखिए आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, बस क्या है हमको अपने पैटर्नों को समझाना है। देखिए ये आया नीचे, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब इस पैटर्न का देखिए इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यह हमको देखिए हमको कब समझ में आएगा, जब हम वीडियो को पूरा देखेंगे, जब हम वीडियो को डेली देखेंगे, जब हम वीडियो को डेली समझेंगे कि होता है क्या है भाई। अगर आप डेली क्लास ही नहीं ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे एग्जाम में पास होना है, ठीक है, तो आप पास नहीं हो सकते। ऐसे ये ट्रेडिंग का एग्जाम है, डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस पैटर्न को आप देख लीजिए, इस वीडियो में आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम वही पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, डब्लू पैटर्न, और फिर ऊपर की साइड इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ें क्लियर हुई, अब देखिए यहाँ पे अपन समझते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है आज की क्लोजिंग मुझे फिर से बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आज की क्लोजिंग नीचे से देखिए पूरा रिकवर किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कल जो आपका बहुत अच्छा कुछ करने वाला है। ठीक है, अब क्या करने वाला है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग है वो मुझे खासकर बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि अगर आप देखो तो इस ट्रेड लाइन का देखिए हमको ब्रेकआउट मिला है। अब ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये इसी प्राइस के आसपास अगर ये ओपन हो जाता है, इसी जगह अगर ये कहीं पे ओपन हो रहा है, ठीक है, इसी जोन में अगर ये ओपन हो रहा है और इसी जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद कल आप ध्यान दीजिए एक प्राइस पे जो कि आपका 50,800, अगर ये 50,800 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है 15 मिनट की कैंडल। ठीक है, कंडीशन आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए,
कि 15 मिनट की कैंडल ओपनिंग नीचे की साइड, क्लोजिंग इसके ऊपर, ठीक है, क्लोजिंग इसके ऊपर, अगर ये इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम इसमें ये समझ के चलते हैं कि जो आपके यहाँ पे सेलर थे, ठीक है, अब जो नीचे वाले सेलर थे कि यहाँ पे जो मॉर्निंग के अंदर सेलर थे वो सब ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि जो रिकवर आया वो काफ़ी फास्ट आया था, ठीक है। अब देखिए ऊपर की साइड कुछ सेलर होंगे तो इनको अगर ट्रैप करना है तो ये इस प्राइस के ऊपर अगर निकालता है तो हम फिर से इसके अंदर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए आपको 50,900, फिर आपका इस जगह देखिए ऑलमोस्ट देखिए 51,000, ठीक है, फिर आपको देखने वो लगा 51,100, फिर आपको इस जगह 51,200 और फिर आपका 51,300, फिर आपका 51,400, ठीक है, यानी हम अप साइड ही इसके अंदर मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है, अगर ये इसको ऊपर की साइड ब्रेक करता है। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखिए आपका थोड़ा बहुत नीचे की साइड सेलिंग आता है, जैसे कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर नीचे सेलिंग आता है तो डरने वाली बात नहीं है। अब इसमें पैटर्न आप समझिए, देखिए पैटर्न कितने बढ़िया पैटर्न, जब हम पैटर्नों से दोस्ती करना चालू कर देते हैं तो फिर दुश्मन अपने आप बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए दुश्मन हमारा कौन है, हमारे अगेंस्ट में जो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा पैसा ले जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, आप क्या सोचते हो कि मार्केट में मार्केट आपको पैसा देता है, मार्केट आपको कुछ नहीं देता, इस चीज़ को आप लिख लेना, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर किसी का लॉस हुआ है तो वो आपका प्रॉफिट होता है, और अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो किसी ना किसी का लॉस हुआ है, बस इतना सा आप समझ के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझो, अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखो तो एक जब पूरा राउंड गया है, ठीक है, राउंड होने के बाद फिर से अगर आप देखो तो फिर से देखिए इसमें राउंड पैटर्न बना है, यानी अगर आप देखो ना एक देखिए यहाँ पे एक गांव में देखिए कुंदा चलता था, कुंदा, ठीक है, इस तरीके का आपको पता होगा, ठीक है, उसको अगर आप देखो तो यहाँ पे राउंड पैटर्न का देखिए यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि 50,500 का जो हमारा साइकोलॉजी प्राइस था ना उसका ब्रेकआउट हुआ है और वो हमको सस्टेन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे जो हमारा बेस बन चुका है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बेस बन चुका है, ठीक है, ये वाला, अब इसके नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी, जब भी हमको इस जगह सेलिंग देखने को मिलेगी उससे पहले हमको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इस जगह देखिए इस जगह जो हमारा देखिए इस जगह 50,400 और आपका इस जगह 50,500 वाला जो फ्लैश था ना, ये इम्पोर्टेंट अब आपका बाइंग जोन बन चुका है, ठीक है। इसके नीचे अगर जाता है ना, जब भी आपको ये समझिए जब भी आपको सेलिंग देखने बोलेगा, वरना सेलिंग नहीं देखने बोलेगा, और अगर ये थोड़ा बहुत देखिए नीचे रिटेस्ट करने भी आता है तो यहाँ पे हमको बाइंग जोन मिलेगा, फिर इस तरीके से जो ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट आपके बाइंग जोन बन चुके हैं। दूसरी चीज़ कि सेलिंग कब करना है, पैनिक में कब आना है, तो यहाँ पर देखिए एक कैंडल पर आप ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि भाई पैनिक वाली कंडीशन बनना है या मार्केट पैनिक के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल को आप देख लीजिए, आपका पूरा जो डाउट है ना वो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये कैंडल देखना है आपको 30 मिनट की, देखिए 30 मिनट की कैंडल पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक बार भी, मतलब सिंगल टाइम कह रहा हूँ मैं, सिंगल टाइम भी अगर आप देखो ना तो यहाँ पे देखिए इसने नीचे की साइड क्लोजिंग नहीं दिया, ये टच किया फिर लौट गया, यहाँ पे भी अगर आप देखो टच किया लौट गया, टच किया लौट गया, तो ये भी आपके ट्रेडिंग के अंदर होना चाहिए कि आपको किस समय कौन सा कैंडल देखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30 मिनट के कैंडल को अगर आप देखोगे तो 30 मिनट का कैंडल अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो आपने एक बार भी सेलिंग नहीं किया हुआ, एक बार भी आपके मन में सेलिंग का नहीं आया हुआ, क्योंकि अब हमको जो पैनिक होना है ना वो 30 मिनट के कैंडल पे जब आपका ये 50,400 के नीचे ब्रेक करेगा, जब भी आपको पैनिक देखने बोलेगा, जब भी देखिए जो आपके एसएल लगे हुए हैं, जो लोग इस जगह बाइंग करके गए हैं, ठीक है, उनके एसएल कटेंगे, क्योंकि देखिए कितना एसएल इंसान रख सकता है, आप बताइए 200 पॉइंट बहुत से बहुत आपके 300 पॉइंट, ठीक है, 500 हज़ार पॉइंटों के कोई एसएल नहीं रखता, ठीक है, फिर तो वो बेवकूफ़ इंसान होता है जिसने रखा है, ठीक है, आ गए वरना भगवान भरोसे, ठीक है। तो इसके नीचे अगर निकलता है, जब भी हम थोड़ा पैनिक कर सकते हैं, वो भी हम 30 मिनट के कैंडल देखेंगे, और इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर हम इसमें शॉर्ट करना चालू करेंगे। अगर हम इसके नीचे शॉर्ट करते हैं तो फिर हमारे जो इस जगह सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 50,300, फिर आपका इस जगह 50,200,
फिर आपका इस जगह 50,000 100, और फिर आपका इस जगह 50,000 तक हम नीचे की साइड जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जी ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।